हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ प्रिया की लाइफस्टाइल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। मैं भी मस्त हूँ, फिट हूँ। और आज बैकग्राउंड चेंज है बिकॉज मैं मीना के घर आई हूँ। मीना के घर पे आज है सुंदर कांड बिकॉज आज मीना का बर्थडे भी है और एनिवर्सरी भी है, वेडिंग एनिवर्सरी। सो इसीलिए मम्मी वहाँ जा बतला ना वीडियो में आ जाओ। तो बस इसीलिए आज है सुंदर कांड, तो वहीं पे आई हूँ। और मम्मी इधर आ पे गए, मम्मी ना यहाँ आ गई थी चेंज करने के लिए, तो मैंने कहा यहाँ पे वीडियो चालू है आप वहाँ जाओ, तो वहाँ चली गई सारी। और अभी कोई आया नहीं है, मैं ही आ गई हूँ। तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मीना जस्ट प्रिपरेशन कर रही है, भगवान जी की चौकी तैयार कर रही है जहाँ पे राम दरबार रखे जाएंगे। वैसे हनुमान जी का सुंदर कांड है तो हनुमान जी की फ़ोटो रखनी चाहिए, ऐसे सब बोलते हैं, बट रखना नहीं चाहिए बिकॉज बिना राम के हनुमान जी आएंगे ही नहीं। तो राम दरबार रख दो, तो उसमें हनुमान जी रहते ही हैं, तो इसीलिए राम दरबार सबसे बेस्ट है कि उसमें सारे भगवान, मतलब राम जी भी हैं, सीता माता भी है और हनुमान जी है, तो हनुमान जी तो उसी उतने में खुश हो जाते हैं अगर राम जी रहते हैं। और एक और चीज़ है, मैंने सुना है कि अगर सुंदरकांड हो रहा है और जो सबसे पहले सुंदरकांड में आया बाहर का कोई भी आया और वो एंड में उठ रहा है सुंदरकांड सुनने, तो वो बोलते हैं कि वो हनुमान जी का रूप रहते हैं, ऐसा सुना है मैंने। तो सच है कि झूठ आप लोग भी कमेंट करके मुझे बता देना, मतलब सुंदरकांड शुरू होने पे। अब ऐसा नहीं है कि मैं आ गई हूँ तो मैं ही हनुमान जी हूँ, नहीं, सुंदरकांड जब शुरू होता है तो जो सबसे पहला बैठते हैं ना सुनने के लिए और वो एंड में ही डायरेक्टली उठते हैं, तो उसको हनुमान जी का रूप बोलते हैं कि वो हनुमान जी साक्षात आए रहते हैं। क्योंकि सुंदरकांड हो और हनुमान जी ना आए तो इम्पॉसिबल है, तो इसीलिए मीना तैयार कर चुकी है ऑलमोस्ट। अभी दिया नहीं जलाए क्योंकि सुंदरकांड बोलने के लिए भी कोई आया नहीं है, सारी तैयारी हो जाए ताकि बस उन लोग आए तो दिया जलाना रह जाए, इसी वजह से सारी तैयारी कर देंगे। देखो बच्चे, ये है ध्रियांश, ये है आश्रित, अभी चेंज नहीं किया है, और ये है मीना की देवरानी की बेटी, मतलब शिवानी की बेटी, मुझसे छोटी है तो इसलिए मैं नाम लेती हूँ वामिका। हाँ वामिका, वामिका नाम है। और अभी शिवानी अंदर है, काम वाम कर रही है, मीना यहाँ पे तैयारी कर रही है, मम्मी गई है चेंज करने, और कोई घर में है नहीं, सिर्फ मैं हूँ। तो अभी कोई आया नहीं है, जैसे आएंगे तो ब्लॉग शुरू कर लूँगी। और ब्लॉग पे बने रहना, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, बाय बाय। सो अभी डुगू की आंटी नानी और डुगू आ गए हैं, रेनू दीदी आ गई, मम्मी अभी नहीं आई है क्योंकि सुंदरकांड वाले लोग को लेके आएगी जो सुंदरकांड बोलेंगे। ऐसे तो हम लोग भी पढ़ लेते हैं बट इतने अच्छे से, मतलब जितने अच्छा लगना चाहिए ना, तो इसलिए वैसे दूसरे को बुलाया गया है, तो उन लोग अभी आएंगे, अभी आए नहीं है। तो डुगू बस आते ही फटाफट से ना आंटी नानी जो दिलाई है वही सबको बांट रहा है, सब बच्चों को। तो चलिए अब इन्जॉय करना सुंदरकांड। तो ये देखिए सुंदरकांड का जो हनुमान का है ना, वो अच्छे से रेडी हो गया है राम दरबार की फ़ोटो, क्योंकि भाई राम जी हैं तो ही हनुमान जी आते हैं और खुश होते हैं, तो इसलिए सिर्फ हनुमान जी की फ़ोटो लगा के मतलब नहीं है, इसीलिए राम जी की फ़ोटो ज़रूरी होना चाहिए, तो उसमें सारे लोग होते हैं, तो इसलिए राम दरबार की ही फ़ोटो लगा दिए। अब आप लोग सुंदरकांड में इन्जॉय कीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। Thank you.
Oh, yeah.
गाइस नाच गाना सब हो गया, सुंदरकांड अच्छे से हो गया, उसके बाद शाम हो गई थी, तो आज खाना वाना भी यहीं खाना था, तो इसलिए कोई अपने घर नहीं गया, तो यहाँ पे बड़े जीजू भी आ गए, तो आज मीना की सास वही इनको चिढ़ा रही थी थोड़ा कि आज चलो फर्स्ट टाइम ये बहुत जल्दी आए, वरना तो ये हमेशा बहुत रिक्वेस्ट करने पर आते थे, लेट आते थे, तो यही सब हो रहा था। सो यही सब हंसी मजाक इतना ज़्यादा हो रहा था ना कि सब लोग इकट्ठा होते ना, तो एक्चुअली क्या होता है ना कि इतने सारे लोग इकट्ठा होते ना तो इसी बहाने इंसान बात कर लेता है, वैसे तो सब लोग अपने अपने घर रहते, भले रोज मिलना होता बट इतना सार इतनी बातें नहीं हो पाती, और सब लोग इकट्ठा मिलते ना तो अलग ही मस्ती मजाक होता है, तो बस यही सारी चीज़ें हो रही थी। आई होप आप लोग भी इंजॉय करते होंगे, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पता है ऐसे ना एनिवर्सरी हुआ, बर्थडे हुआ, और मीना का आज है बर्थडे और एनिवर्सरी दोनों, तो इतने अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ ना सच में। मीना का ये है 11वां वेडिंग एनिवर्सरी, सो इसीलिए मीना की सास ने सुंदरकांड ज़रूर करवाया था, और ऐसी वेडिंग एनिवर्सरी करवाना भी चाहिए। नाच गाना डीजे वीजे तो हर जगह होता रहता है, लेकिन भगवान का नाम सुन के ये सब करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए केक कटिंग करते हैं, तो केक लाए थे मीना के देवर रेड वेलवेट, तो बस अब मीना की सास आरती। अरे खाना फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।